में स्टूडेंट है, कोचिंग जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, निकलने में समस्या आ रही है काफी। हम स्टूडेंट है, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो आने जाने में काफी दिक्कतें होती है कोहरा की वजह से। काफी बहुत असहनीय है जो बोलते हैं, ऐसी सर्दी पड़ रही है, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बहुत ज्यादा गलन पड़ रही है, क्या करें, कोई कुछ है तो है नहीं है। इधर की तरफ भी आंचे जला रहे रोड पे, और क्या करें, यही है गरीब गुरबा के लिए, तो और क्या कर सकते हैं। नाम बता दीजिए। हरिराम भाटी। हरिराम जी, बताइए कि बाहर निकले हुए ठंड की सिचुएशन क्या है? तो बहुत बड़ी शीत लहर चल रही है और ये कोट से भी सर्दी नहीं रुक रही है, इसके लिए कमर ओढ़ के फिर सर्दी का बचाव करें। हवा तेज चल रही है, देख रहे हैं कि रोड पे चल रहे हैं तो कंबल लेके आप चल रहे हैं, पूरा कंबल ओढ़ के, फर्क पड़ पा रहा है इससे कुछ? कंबल से तो थोड़ा फर्क पड़ता ही है, जो हवा चल रही है हवा को प्रोटेक्शन करती है, हवा से बचाव करती है। ये बताइए, धुंध, आप सुबह निकले होंगे, धुंध की समस्या आई सामने, धुंध देखने को मिली? धुंध की इतनी नहीं है जितनी सर्दी की है, सर्दी में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है। और कितने पिछले साल के मुकाबले क्या लग रहा है कि इस बार ठंड ज्यादा है? इस बार ज्यादा लग रही है, पिछले साल तो कम थी, इस बार ज्यादा है। शीत लहर चल रही है, लहर से ज्यादा ठंड हो रही है। अभी बताइए कि लोग देखने को मिल रहे हैं रोड में, अक्सर होता है कि पैदल तो कम ही चल रहे हैं लोग, सब अपने पर्सनल गाड़ी से जा रहे हैं सर्दी की वजह से। नाम बता दीजिए। विजयपाल नाम है। विजयपाल जी, ठंडी की स्थिति क्या देख पा रहे हैं इस वक्त, फसल क्या महसूस कर रहा है? ठंड काफी ज्यादा ठंड है, हाथ पैर सब वगैरह ठंडे हो रखे हैं। हाँ, घर से निकल रहे हैं तो दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं? जैसे काम पे निकल रहे हैं, हम भी देख पा रहे हैं पूरा पैक आप हो रखे हैं, क्या क्या दिक्कतें महसूस करनी पड़ रही है? दिक्कत तो जैसे पैदल लोग चलते हैं उसमें काफी दिक्कत आ रही है कि हवा चल रही है, काफी ठंडी हवा चल रही है, तो साधारण दिन की तरह आराम से काम नहीं कर पा रहे हैं। धुंध की भी दिक्कत आ रही है, हाँ धुंध देखने को मिली है, काफी धुंध है। बाइक पे भी करते हैं, गाड़ी में भी करते हैं, तो परेशान काफी परेशानी होती है धुंध की वजह से। ठंड कैसी लग रही है पिछले साल के मुकाबले? इस बार ज्यादा है, काफी ज्यादा है, इस बार ज्यादा लग रही है। थैंक यू। नारायण स्वामी। कहाँ काम करते हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, ड्यूटी पे जा रहा हूँ। हाँ, पर्दी मैदान पे। हैं? घर से कितने बजे निकले थे? 4 बजे। अच्छा, धूल थी उस टाइम पे? बहुत धूल, सामने का आदमी नहीं दिख रहा, सामने का आदमी दिख रहा था। अच्छा ये बताइए, तो ठंड कितनी है, ठंड कितनी महसूस कर पा रहे हैं दिल्ली? ठंड बहुत है। क्या कर रहे हैं बचने के ठंड से? घर से बचने के लिए ये पहन के आए थे, जैकेट पहन के आए। दिल्ली में कब से रह रहे हैं? दिल्ली में हो गए मुझे 35 साल। अरे बताओ, पिछले साल के मुकाबले इस बार ठंड ज्यादा पड़ी है नॉर्मल पड़ी? नहीं, पिछले साल से ज्यादा पड़ी, अभी और पड़ेगी, अभी तो 3 तारीख है। अच्छा, तो रोज सुबह 4 बजे निकलना कितना मुश्किल हो जाता है ठंड में? हाँ, ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, तो उसके बाद बाहर निकलते हैं। थैंक यू। नाम जयशंकर नाम है। क्या कहना चाहें ठंड को लेकर, कैसी दिक्कत है? अरे ठंड काफ़ी है और बहुत ज़्यादा ठंड है और कोहरा ज़्यादा है, और कल तो बहुत गलन थी, और आज जो अलाप देख लीजिए आप, जो है जलाप अलाप जल रहे हैं, और बस प्रशासन से यही है कि बस जो है अलाप जलाएं ज़्यादा से ज़्यादा। ठंडी मालिक, ठंडी बहुत विशेष ठंडी है, यहाँ आदमी ठंडे में कपड़ा पहनने पे भी सर्दी खाता है, और उसके बावजूद कि ना लकड़ी है ना कोई व्यवस्था है, लेबर परदेसी आता है, ये सोता है रात।